हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने गांव में कुछ दिखाने जा रही हूं। अभी रास्ते में हूं। हमारे गांव में बहुत पुराना एक मेला लगता है अष्टमी के दिन। हम हर साल उधर जाते हैं और अष्टमी को जाते हैं। रात्रि में जागरण होता है वहां पे और सवेरे प्रसाद चढ़ाया जाता है। कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ की तकरीबन सभी लड़कियाँ आ जाती हैं और मेला देखती हैं। और सबसे खुशी की बात है कि वहाँ पे सब मिल लेती हैं इस बहाने से। और कोई कोई तो झूठ बोल के आती है, जैसे कि गाँव में बोलते हैं मैंने तो प्रसाद बोल रखा है इसलिए जा रही हूँ। आप भी कुछ ना कुछ मन्नत मांगते होंगे भगवान से, तो कुछ लोग ऐसे ही मन्नत वहाँ पे भी मांगने आते हैं। और एक देवी मैया जो हमारी बहुत मान्यता उसकी, मन्नत पूरी भी करती हैं। अभी हम रास्ते में ही हैं, सुबह जल्दी चलना था लेकिन थोड़ा देर हो गई। अब देखते हो पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लग जाता है। अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि धूप बहुत हो चुकी है। ये मुरादनगर है मेरठ के पास और ये हमारे गांव की एक नहर है जो ये मुरादनगर से सीधी हमारे गांव की तरफ जाती है। सीधी इस नहर को गंग नहर भी कहा जाता है जो हरिद्वार से निकली हुई है। और इसी नहर के ऊपर एक पुल बना गया है जो कि यहाँ पर आने जाने वाले सभी करते हैं और रेस्ट करते हैं और अपना इस दृश्य का आनंद लेते हैं जो बहुत ही सुंदर है। फिर वो आगे की तरफ सब प्रस्थान करते हैं। आप कभी कभी इस रूट से जाने का मन करे तो एक बार आप जरूर रुके। और इसको बोले कि झाल कहा जाता है, झाल का ही जैसे कि आप देख रहे होंगे कितनी बहुत ही चौड़ी नहर है। और ये नहर के किनारे ही हमारा गांव बसा हुआ है और उसी ही के किनारे हमारा एक छोटा सा मंदिर है जो हम आगे दिखा रहे हैं, जिसके लिए हम आज इतनी दूर से दिल्ली से यहाँ पहुँचे। देखो मंदिर है, मंदिर पे हम आ चुके हैं और तैयारियाँ हो रही हैं मंदिर पे। गाइस, आपको देख के ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि दुकानदार सब तैयारी में बैठे हैं अपने ग्राहक के इंतज़ार में, अपनी दुकान सजा सजा के ग्राहक को आकर्षक करने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर सजावट की हुई है। लेकिन अभी ग्राहक गांव के मेले में जो देखने वाले आएंगे वो अभी आना शुरू नहीं हुए हैं। देखो सब दुकानें तैयार हैं। गांव से आती हैं, देखो किस तरीके से आती हैं। ये हमारे मंदिर के सामने का सीन है, नहर है और इस नहर के सामने ही बिल्कुल ठीक मंदिर है। इसके आगे का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहो और हंसाते रहो।